सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल तुरुश्रिता को और प्रेस कीजिए इस बेल बटन को ताकि फ्यूचर में आने वाली वीडियोस की अपडेट आपको मिलती रहे। शुरू करने से पहले सबसे पहले आपको अपने फेस को प्रिपेयर करना चाहिए। उसके लिए सबसे पहले आपको अपने फेस को वॉश करनी पड़ेगी। कोई भी फेस वॉश करने के बाद आप अपने फेस पे कोई भी इंस्टेंट मेकअप शुरू मत कीजिए, क्योंकि समर्स टाइम की मेकअप है तो बेटर होगा आप कोई भी आइस क्यूब लीजिए और उसे अपने फेस पे रब कीजिए और देन अपने मेकअप को स्टार्ट कीजिए। तो मैंने यहाँ पे अपने नेक पे टॉवल रब ली है और उसके बाद फेस पे इस तरीके से एक आइस क्यूब को रब करेगा। आप चाहे तो एक के बदले दो आइस क्यूब्स को भी यूज कर सकते हैं। आइस क्यूब हमारे फेस पे लगाने के बाद आप देख पाएंगे कि आपकी फेस जो है बहुत ही ज़्यादा कूल हो चुकी है और आपकी जो एक्सेस ऑयल की जो प्रॉब्लम है वो भी बहुत हद तक आपका वो रिड्यूस हो चुका होगा और आपका जो ये लार्ज पोर्स की प्रॉब्लम्स है वो भी काफ़ी हद तक मिनिमाइज हो जाएगा और अब आपका मेकअप करने के लिए परफेक्ट है आपका स्किन। के बाद हम हमारे फेस पे टोनर अप्लाई करेंगे। आज मैं टोनर के लिए यूज कर रही हूँ एरोमा मैजिक। टोनर फेस पे एब्जॉर्ब होने के बाद हम एक मिनट के लिए वेट करेंगे और उसके बाद हमारे फेस पे मॉइस्चराइजर अप्लाई करेंगे। ध्यान रहे अगर आपकी स्किन ऑयली टाइप की है तो आपको कोई भी ऑयल फ्री मॉइस्चराइजर यूज करना है। आपका स्किन नॉर्मल है तो आपको कोई ऐसा मॉइस्चराइजर यूज करना है जो कि नॉर्मल स्किन के लिए अच्छी हो, और अगर आपकी स्किन ड्राई है तो आपको उसके लिए कोई ऐसा मॉइस्चराइजर यूज करना चाहिए जिससे कि आपकी स्किन की जो ड्राइनेस की प्रॉब्लम है वो दूर हो जाए। मैं यहाँ पे मेरी फेवरेट जो ऑयल फ्री मॉइस्चराइजर है वो है एरोमा मैजिक की ऑयल फ्री मॉइस्चराइजर, मैं इसे ही यूज़ करूँगी क्योंकि इस मॉइस्चराइजर को यूज़ करने के बाद हमारे स्किन में कोई भी ऑयली सी फील नहीं होती है, इसीलिए मुझे ये वाला मॉइस्चराइजर काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है। ध्यान रहे कोई भी स्टेप शुरू करने से पहले बीच में 30 सेकंड से 40 सेकंड तक वेट कीजिए ताकि जो प्रोडक्ट आपने अपने फेस पे लगाया है वो आपके फेस पे अब्सॉर्ब हो जाए। मेकअप में प्राइमर यूज़ करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप प्राइमर नहीं यूज़ करेंगे तो आपके जो पोर्स है वो ओपन ही रह जाएंगे और आपके जो पोर्स के जो मतलब हमारे स्किन के जो गड्ढे हैं एक्चुअली में पोर्स है वो ऊबर खाबर टाइप के होते हैं, तो उसके ऊपर अगर आप कंसीलर या फिर फाउंडेशन या फिर कुछ भी अप्लाई करेंगे तो स्मूथ इफेक्ट नहीं आएगा। अगर आप चाहते हैं कि स्मूथ इफेक्ट आए तो आपको एक प्राइमर यूज़ करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, और मैं जो प्राइमर यूज़ कर रही हूँ वो है कलर बार की प्राइमर। अगर आपने मेरे इंस्टाग्राम को फॉलो नहीं किया है तो उसे जल्दी से फॉलो कर लीजिए, और अगर आपने मेरे फेसबुक पेज को भी लाइक नहीं किया है तो उसे भी जल्दी से लाइक कर लीजिए। अब हम आईब्रोज को फिल कर लेंगे। उसके लिए मैं यहाँ पे कलर एसेंस की आईब्रो पेंसिल यूज़ कर रही हूँ। पहले इसकी जो ब्रश है उससे हम अपनी आईब्रोज को एक बार कॉम्ब कर लेंगे एंड देन इसकी जो आईब्रो पेंसिल है उससे हम आईब्रोज को ड्रॉ कर लेंगे। हम उसके बाद कंसीलर को अप्लाई करेंगे अपने आईलिड के ऊपर। इस टाइप के एक टैड ब्रश की मदद से कंसीलर को हम आईज के ऊपर अप्लाई कर लेंगे। कंसीलर
कंसीलर का जो शेड है वो आपकी स्किन टोन की जो शेड है उससे एक या दो शेड लाइट होनी चाहिए। बहुत ज़्यादा लाइट नहीं होनी चाहिए या फिर डार्क भी ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, या फिर आपके जो स्किन टोन है परफेक्ट वो भी नहीं होनी चाहिए। देन अपने फिंगर की मदद से इसे टैप करते हुए अपने आईलिड के ऊपर सेट कर लीजिए। कंसीलर को लूज पाउडर की मदद से या फिर कॉम्पैक्ट पाउडर की मदद से उसे सेट कर लेंगे। अब आई मेकअप करेंगे, इसलिए मैं यहाँ पर जो हानिया की जो 35E कलर्स की जो आई शेडो पैलेट है उसे यूज़ कर रही हूँ। अगर आप उसकी वीडियो रिव्यू की वीडियो नहीं चेक की है तो उसकी लिंक ऊपर आई बटन पे मिल जाएगी या फिर डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगी, आप वहाँ से चेक कर सकते हैं। तो इस पे इस तरीके की ब्यूटीफुल कलर्स मिलते हैं। से ये जो पिंक कलर है इसे मैं पिक कर रही हूँ और इसे मैं यहाँ ऊपर क्रीज लाइन के ऊपर इस पॉइंट पे इसे ब्लेंड करूँगी। ब्लेंडिंग ब्रश ले रही हूँ और उसमें कलर को पहले लेके एक्स्ट्रा कलर जो है उसे इस तरीके से डस्ट कर लेंगे। मैंने पहले ही बताई थी कि मेरी कैमरा उतनी ज़्यादा परफेक्ट नहीं है कि कलर्स को अच्छे से पिक कर सके। आई होप कि आप सबको दिख रहा होगा कि कैसे मैंने पिंक कलर को अपने क्रीज लाइन के ऊपर अच्छे से ब्लेंड की है। आई मेकअप की सबसे बड़ी बात यही है कि आई शेडोज़ को अच्छे से ब्लेंड करना पड़ता है। आप जितने अच्छी तरीके से और परफेक्टली ब्लेंड करेंगे आपका आई मेकअप उतना ही ज़्यादा अच्छा दिखेगा। तो दोनों आईलिड्स के ऊपर जो क्रीज लाइन थी, क्रीज लाइन के ऊपर मैंने पिंक कलर को अच्छे से ब्लेंड कर ली। ये जो पिंक कलर की जो हमने क्रीज के ऊपर लाइन बनाई है इसके ऊपर ये जो आर्च है यहाँ पे किसी भी तरीके का कोई भी हर्श लाइन ना पैदा हो उसके लिए हमें अच्छी तरीके से इस ऊपर के पार्ट को अच्छे से ब्लेंड करना पड़ेगा। उसके बाद हम ये वाला जो रेड कलर है उसे लेंगे। अगेन सेम ब्लेंडिंग ब्रश ही मैं ले रही हूँ। ज़्यादा क्वांटिटी में नहीं लेंगे, थोड़ी सी क्वांटिटी में लेके उसे क्रीज लाइन जो है हमारी ये जो क्रीज लाइन है जहाँ पे हमें आईज़ को इस तरीके से ओपन करने से जो ये क्रीज लाइन पैदा होती है इस लाइन पे हमें इसे ब्लेंड करना है। और देन उसके बाद हमने जो पिंक कलर की आई शेडो फर्स्ट अप्लाई की थी उसके साथ थोड़ी सी से ब्लेंड कर देंगे ताकि कोई भी हर्श लाइन ना रहे। इसके बाद मैं यहाँ पे मिस क्लैरे की आई शेडो पैलेट को यूज़ कर रही हूँ और इस पैलेट से यहाँ पे ये जो शिमरी टाइप की जो क्या कलर कहते हैं स्काई कलर है उसे हम हमारी आई की जो लिड है यहाँ की हाफ पार्ट पे अप्लाई करेंगे। इस हाफ पार्ट पे आप चाहे तो इसके लिए कट क्रीज अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन मैं कट क्रीज अप्लाई नहीं कर रही हूँ, डायरेक्टली इसे अप्लाई करूँगी एक फ्लैट ब्रश की मदद से। इससे पहले मैं अपने जो फ्लैट ब्रश है उसके ऊपर सेटिंग स्प्रे को अप्लाई कर लूँगी और देन उसके बाद मैं इस ब्रश की मदद से इस कलर को लूंगी, पिक करूंगी और उसके उस कलर को हम आईलिड के इस पार्ट पे अप्लाई करेंगे। मैं फिर से दिखा देती हूँ, इस स्टार्टिंग पार्ट से मतलब इनर कॉर्नर से लेके इस तरीके से हाफ पार्ट में हम अप्लाई करेंगे। तरीके से तो ये हमने हमारी आईलिड की हाफ पार्ट में हाफ से थोड़ी से ज़्यादा हो गई है बट हाफ पार्ट में हमने जो स्काई कलर है ग्लिटरी स्काई कलर उसे अप्लाई कर ली है। उसके बाद बाकी का जो ये हिस्सा है इसमें हम यहाँ से या फिर कोई भी पैलेट से जो डार्क ब्लू कलर है उसे अप्लाई करेंगे। हाँ, यहाँ का जो आई शेडो पैलेट है उसी में से जो ब्लू कलर है उसे ले रही हूँ।
आईज में एक्सेस जो आई शेडो फॉल आउट होकर गिर रही है उसे मैं क्लीन कर रही हूँ, अदरवाइज फेस में वो चिपक जाएगा। और उसके बाद अगेन मैं मिस क्लैरी की आई शेडो पैलेट से जो मैंने स्काई कलर पिक की थी उसे लेके एक बार टचअप के लिए अपने आईलिड्स के ऊपर इस तरीके से पैट करते हुए से अप्लाई कर रही हूँ जहाँ पे मैंने पहले इसे अप्लाई की। उसके बाद हम फेस मेकअप करेंगे। फेस मेकअप करने के लिए मैं यहाँ पे क्राइलॉन की जो पैलेट है उसे यूज़ कर रही हूँ। इसमें बहुत सारे कलर्स के शेड्स रहते हैं तो आप अपने मनपसंद कोई भी कलर पिक कर सकते हैं। और यहाँ पे भी आपको अपनी जो स्किन की टोन है उसके अकॉर्डिंग ही आपको अपनी फाउंडेशन को चूज़ करना है। इसकी कलर जो है कैमरे में लाइट दिख रही है बट ये एग्जैक्ट मेरी जो स्किन की जो शेड है उसी कलर की है। मैं जो ब्यूटी ब्लेंडर यूज़ कर रही हूँ उसे पानी में डुबा के निचोड़ के एक्सेस वाटर को निकाल लिया है और देन उसे टैप करते हुए अपने फेस पे फाउंडेशन को अप्लाई कर रही हूँ। ध्यान रहे फाउंडेशन अप्लाई करते वक्त हमेशा ब्यूटी ब्लेंडर की मदद से इस तरीके से टैप करते हुए अप्लाई करें। कभी भी इस तरीके से रगड़ रगड़ के फाउंडेशन को बिल्कुल भी अप्लाई मत कीजिएगा, इससे फाउंडेशन की जो टेक्सचर है वो खराब हो जाती है। उसके बाद हम अंडर आईज पे कंसीलर अप्लाई करेंगे। कंसीलर के लिए मैं इसी पैलेट में से जो थोड़ी सी लाइट कलर है मेरी स्किन टोन से उसे अप्लाई कर रही हूँ। हाँ, मैं आई लिड्स के ऊपर को भी जो कंसीलर अप्लाई किया है वो इसी पैलेट में ही यूज़ की हूँ। दोनों साइड की डिफरेंस देख ही पा रहे हैं, मैं यहाँ पे किसी भी तरीके का कोई भी कंसीलर नहीं अप्लाई की थी और इस तरफ को की है। इस वजह से आईज़ के अंडर आईज़ पे जो डार्क सर्कल्स आ जाते हैं वो हाइड हो चुकी है इस पार्ट में। फाउंडेशन कंसीलर जो भी आप अप्लाई क्यों ना करें उसके बाद उसे अच्छी तरीके से पाउडर से सेट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मैं पाउडर के लिए यहाँ पे मेबलिन की पाउडर को यूज़ कर रही हूँ, ऑल इन वन पाउडर को, और इसे मैं अपने अंडर आईज़ को पहले सेट करूँगी देन मैं पूरे फेस को पाउडर से सेट करूँगी। ध्यान रहे बहुत ज़्यादा पाउडर हमें नहीं अप्लाई करना है, जितना ज़रूरी है उतना ही पाउडर अपने स्किन पे अप्लाई करें। बहुत ज़्यादा पाउडर अप्लाई करेंगे तो कुछ देर बाद आपकी जो फेस है वो बहुत ही ज़्यादा केकी पैची दिखने लगेगा। सबसे पहले काजल से अपने लोअर लैश लाइन पे काजल को अप्लाई करेंगे। देन अगेन मैं आई शेडो पैलेट से जो डार्क ब्लू कलर है उसे लोअर लैश लाइन पे यानी काजल जहाँ पे हमने अप्लाई की है उसी लैश लाइन पे हम इसे ब्लेंड कर इस तरीके का छोटी सी जो छोटा सा जो ब्लेंडिंग ब्रश आता है उससे पहले कलर को लेंगे इस तरीके से ब्रश में एक्सेस कलर डस्ट कर लेंगे और देन हम अप्लाई करेंगे। मैंने जो पहले जो और उसके बाद जो पहले वाली जो पिंक कलर थी उसे लेंगे ब्रश में और उसे हमने जो ये ब्लू कलर अप्लाई किए उसके नीचे उसे ब्लेंड करेंगे। टेक्निकल खराबी के कारण इसके बाद जो वीडियो मैंने बनाई थी वो किसी वजह से शूट नहीं हो पाई थी, तो इसलिए मैं बता देती हूँ कि इसके बाद मैंने क्या किया था। इसके बाद आपको फेक लैशेस पहननी है और देन आपको अपने चीक्स को, नोज़ को और फोरहेड को कॉन्टूर करना है। उसके बाद हम ब्लश को अप्लाई कर लेंगे और देन हाइलाइटर को अप्लाई करेंगे और सबसे आखिर में लिपस्टिक को अप्लाई करेंगे। और हाँ, मेकअप कंप्लीट हो जाने के बाद सेटिंग स्प्रे से अपने पूरे फेस को सेट कर लीजिएगा। तो ये है मेरा आज का फाइनल लुक।
आई होप कि आप सबको ये वाला वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक शेयर कमेंट और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, ये टोटली फ्री है। और सब्सक्राइब करते वक्त सब्सक्राइब के पास में जो बेल आइकन है उसे भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि फ्यूचर में मैं जो भी वीडियोस अपलोड करूँ उसकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए टाटा। Thank you.